कारागार में आए 32 नए जेल वार्डन का प्रशिक्षण वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे की अध्यक्षता में शुरू हुआ, जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने बताया कि इस समय 32 नए जेल वार्डन जेल में आए हुए हैं, जिनका मूलभूत प्रशिक्षण होना है, जिसका शुभारंभ हुआ है, जिसका निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। इसमें निर्धारित किया गया है कि प्रशिक्षण और उसका सिलेबस मुख्यालय प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये लोग पूरी तरह से जेल वार्डन बन जाए और अपना कार्य आसानी से कर सकें। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चुनौतियों को अच्छे से कर पाए, सामना कर पाए। हम लोग किसी सिपाही को इंग्लिश ऑफिस में लगाते हैं, है ना, कोई कोई खतरा, कोई एक इंजन पे डाटा भरता है, सारे बंदे जो आना, इसका एक पूरे देश के जो प्रदेश जेल का हुआ अपने एकत्र देने नौकरी कुछ भी आदेश देगा ना, उसका पालन करना एक ही ये समझिए। कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि मैं सारी काम नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो आप जो मान लो आपने कहा नहीं कि हम ये काम नहीं करेंगे, बट जो काम बताया गया उसके लिए अनुकूल आपको होना पड़ेगा। देखो 25 चौके है, कोई सिपाही है ना, नवरात में काम कर रहा है, मुलाजा करना, रिहाई करना, केसी कराना, सब करता रहा। अभी आपके केस के लगाते हैं हम वहाँ पे, सबसे पहले तो आप लोग यही बोलोगे कि साहब हमको तो उसके बारे में मालूम नहीं है, कहीं मैं फंस ले जाऊँ तो बात न होते गलती न होते, तो उसके लिए भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी इसी सारे बंदियों का। और इनका संकलित मतलब वो करके वो एक पोर्टल है जिसके उसमें सब उपलब्ध रहता है, उसमें पुलिस किसी भी अपराधी के बारे में जान सकती है कि वो आदमी जेल में है कि नहीं है, बाहर है कि जेल में है, तो अपराध के अन्वेषण में आसानी है कि नहीं। जेल में क्या है कि प्रिजन पे अपना डाटा हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है ना, जो छूट गया उसको भैया दिखाना और जो आया है उसको किल करना। बंदी केसी पे गया तो केसी के लिए आउट, शाम को आया तो फिर इन, ये लंबा प्रोसेस है, सब नहीं अभी हो पाता है। किसी प्रकार बंदियों से मुलाकात है, आप लोग देखते होंगे जगह जगह जो है क्या कहते हैं पैदल रोकने लगवाए हैं, कभी कभी अनाउंस भी करते हैं कि ऑनलाइन मुलाकात करने के लिए पब्लिक को प्रोत्साहित करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने कहा, ये नए भर्ती हुए जेल वार्डन हैं, इनको 45 दिन का प्रशिक्षण संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में दिया गया है, लेकिन मूलभूत प्रशिक्षण जो है 5 महीना का है, तो अवशेष 105 दिन का प्रशिक्षण महानिरीक्षक कारागार द्वारा कारागारों पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुपालन में इनका प्रशिक्षण जो है आज से शुरू हो रहा है। इसमें निर्धारित किया हुआ प्रशिक्षण और उसका सिलेबस मुख्यालय से प्राप्त है, उसी के अनुसार अच्छे तरीके से इनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे ये लोग भविष्य के लिए अच्छे मतलब कर्मी बन के तैयार हों और अपनी चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें। ऑर्डर हैं जिनका प्रशिक्षण आरंभ किया गया है।